नमस्कार, वेलकम टू मेड इन असम। आज मैं एक मशीन का रिव्यू लाया हूँ। आज मैं कट ऑफ मशीन का रिव्यू करूँगा जो मेरे पीछे है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर क्लिक कीजिएगा। और ये जो मशीन है तो इसका हम रिव्यू करेंगे। ये एक कट ऑफ मशीन है और ये पावर हाउस कंपनी का है। और इसका साइज है, मतलब इसका जो ब्लेड साइज है, ये 14 इंच का है। अगर mm में हम कन्वर्ट करेंगे तो 355 mm का होगा। और इस मशीन का जो पावर है वो 2200 वाट का है। ये 50 हर्ट्ज पर भी चलेगा, 60 हर्ट्ज पे नहीं चलेगा, लेकिन इंडिया में तो 50 हर्ट्ज ही चलता है, तो इसमें कोई इशू नहीं है। और इसका जो RPM है, मतलब एक मिनट में ये कितना रोटेट करेगा, मतलब रिवोल्यूशन पर मिनट है 3800। लगभग हर मशीन में इतना ही RPM मिलता है। और इस मशीन को मैंने एक साल पहले खरीदा था, तो एक साल से मैं यूज कर रहा हूँ। इसका कुछ प्रॉब्लम है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन खूबियाँ भी है, उसको भी मैं बताऊँगा। सबसे पहले इसकी खूबियों में आते हैं। इसकी जो सबसे अच्छी बात यह है कि यह कम दाम में आपको मिल जाएगा, लगभग 6000 के अंदर आपको ये मिल जाएगा। मैंने इसको industrybuying.com से खरीदा था, इंक्लूड GST मुझे 5500 रुपीज़ का पड़ा था, ठीक है। और 5500 रुपीज़ में मिला। उसके बाद एक और अच्छी बात है इसमें कि एक साल का वारंटी भी मिला। तो अगर देखा जाए तो 6000 के अंदर कट ऑफ मशीन में आपको शायद ही एक साल का वारंटी मिलेगा। मैंने बहुत ढूंढा था लेकिन मुझे नहीं मिला, इस मशीन के साथ मुझे मिल गया। और इस मशीन का जो मोटर है वो मोटर हीट नहीं होता है, मतलब होता है बहुत ही मिनिमम हीट होता है। ये बहुत अच्छी बात है, आप दिन भर इसको चलाइए तो इसमें हीट का इशू नहीं आएगा। दूसरी बात, इस मशीन का जो गियर है या ब्रश है, लगभग हर पार्ट्स बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है एज पर प्राइस। आपको ऐसा मिलता है जो प्राइस से भी अच्छा है, जैसे हीट का इशू, इसमें हीट का कोई इशू नहीं आता है। और आज तक एक साल में मैंने इसको बहुत यूज किया, आज तक इसका एक ब्रश भी, मतलब कार्बन ब्रश भी मैंने चेंज नहीं किया। तो यह है इसकी अच्छी बात। अब हम बुरी बात करते हैं, इसकी जो खामियां है। इसमें सेफगार्ड नहीं आता है, लेकिन प्राइस के हिसाब से शायद ये कॉस्ट कटिंग होगा। दूसरा, ये इसका जो बेस है ये बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है, ठीक है। और इसका जो वॉइस है, वॉइस का ये इसका जो ये फिक्स जॉ वाला हिस्सा है, इसमें क्या होता है, ये एक्यूरेट नहीं है। अगर मैंने इसको 45 डिग्री एंगल पर सेट किया तो ये एक्यूरेटली नहीं काटेगा, मतलब ये 35 या 38 उतने में सेट होगा, हो जाएगा, लेकिन 45 में एक्यूरेट नहीं होगा। अगर इसको आप राइट एंगल में रख के भी किसी जॉब को काटते हैं तो वो भी राइट एंगल में नहीं करता है, ठीक है, वहाँ पर भी प्रॉब्लम है। अगर आपने काट लिया उसके बाद आपको ग्राइंडिंग मार के मिलाना पड़ेगा, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। दूसरे मशीनों में भी होता है ये प्रॉब्लम, लेकिन इसमें थोड़ा ज़्यादा है, तो इसमें आपका मेहनत और टाइम दोनों बर्बाद होता है। कभी कभी ऐसा लगता है जब हम थोड़ा थोड़ा सा हैवी वर्क करते हैं, मतलब थोड़ा हैवी पाइप या हैवी बार काटते हैं, तो ऐसा लगता है इस मशीन का जो पावर आउटपुट है वो कम आ रहा है, ऐसा मुझे फील हुआ। इसका जो स्प्रिंग है, अगर मैंने लॉक नहीं भी लगाया तो ये मतलब ऊपर नहीं जाएगा, इतना जाना चाहिए, लेकिन ये इतने में ही रह जाएगा, ठीक है। तो ये स्प्रिंग का इशू आया है, लेकिन बहुत बड़ा इशू नहीं है ये। और अगर आपको ये मशीन चाहिए तो आप इंडस्ट्री बैंक से खरीद सकते हो, लेकिन अगर आपको एक्यूरेसी के साथ काम करना है तो ये मशीन उसके लिए नहीं है। लेकिन 6000 रुपये में ये मशीन उतना बुरा भी नहीं है, आपको एक साल का वारंटी भी मिलेगा, इसका मोटर भी बहुत अच्छा है। मुझे ना ही इसका गियर चेंज करना पड़ा, ना ही इसका कोई कार्बन ब्रश मैंने चेंज किया, ना ही इसकी वाइंडिंग में कुछ प्रॉब्लम है। और हाँ,
ये कॉपर का वाइंडिंग मिलेगा, आपको एल्यूमिनियम का वाइंडिंग नहीं है। मैंने यूजर मैनुअल पढ़ा था, वहाँ पर मेंशन था कि ये कॉपर का वाइंडिंग है और अमेरिकन ग्रेड भी लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या मुझे तो नहीं पता, अगर आपको मालूम होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बता दीजिएगा। और आज का वीडियो इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों को शेयर जरूर करना।